2024 का इलेक्शन है, देखा जाता है जोरों शोर के साथ अवाम उन्नास अपने वोट का इस्तेमाल कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा अच्छा पैगाम है, अच्छी तादाद में लोग अपने घर से निकल कर वोट करें। मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पोलिंग का परसेंटेज बढ़ाइए, ये जमहूरियत में हमको यह हक़ दिया गया है कि यह हक़ चलाएं हैं। तो जमहूरियत को इस मुल्क में ज़िंदा रहना है तो हर एक वोटर को घर से निकल कर आकर वोट देना है। सर, सेंट्रल बेंगलोर सेंट्रल में उम्मीद है कि मंसूर अली खान बड़ी जीत हासिल करेंगे। बेंगलोर सेंट्रल में मंसूर अली खान को हम हिमायत कर रहे हैं और सारे बेंगलोर सेंट्रल नॉर्थ में राजू गौड़ा को, बेंगलोर साउथ में सोमिया रेड्डी को, और इस तरह कर्नाटका में तमाम 28 हलकों में हम चाहते हैं कि कांग्रेस कामयाब हो। गर्मी की शिद्दत है, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं और अपना हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इसका सबूत है कि कौम अभी जिंदा है, लोगों में वो जोश खरोश देखा जा रहा है। इस मुल्क में, इस रियासत में जमहूरियत को ज़िंदा रखना चाहते हैं, ये एक अच्छी मिसाल है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि जो सब घरों में बैठे हैं वो निकल कर वोट करें, शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर देने की कोशिश करें। खासतौर पर हम देखते हैं 55 या 50% ही पोलिंग रहती है बेंगलुरु शहर में, तो उम्मीद है कि इस बार 80% तक जाएगी पोलिंग। जाएगी तो क्या पैगाम आप देना चाह रहे हैं कि जमहूरियत के लिए और वोटिंग, ये डेमोक्रेसी और वोटिंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जमहूरियत में एक ही तलवार हमारे पास है। जमहूरियत में मालिक ने यह निज़ाम दिया है कि जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए वोटिंग को घर से निकल कर वोट करो। तो आज हम देख रहे हैं कि लोग घर से निकल कर वोट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस कामयाब होगी। बेंगलोर नॉर्थ में ही नहीं, बेंगलोर नॉर्थ में राजीव गौड़ा, बेंगलोर सेंट्रल में मंसूर खान, बेंगलोर साउथ में सोमिया रेड्डी, बेंगलोर रूरल में डीके सुरेश, इसी तरह सारे रियासतें कर्नाटका के 28 हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, ये हमारी उम्मीद है। और हिंदुस्तान में अलायंस जो है, इंडिया अलायंस जो कांग्रेस और उनके साथी हैं, ये कामयाब हो। इस इलेक्शन को डेमोक्रेसी और जमहूरियत को, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का इलेक्शन कहा जा रहा है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ही ये इलेक्शन है।